हाय फ्रेंड, टेक्निकल वॉल जैदी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा वीडियो इस टॉपिक पे है, तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी टीवी, कंप्यूटर या फिर मूवी हॉल में मूवीज तो देखते ही होंगे, लेकिन दोस्तों आपने कभी इन मूवीज के पीछे कड़ी हुई मेहनत को नहीं देखा होगा। दोस्तों, हकीकत में जो टीवी या मूवी हॉल के स्क्रीन पर दिखाया जाता है वो कभी खत्ता ही नहीं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हॉलीवुड के कुछ ऐसे ही सुपरहिट मूवीज, जो कि ये मूवीज आखिर कैसे बनाया जाता है, यही दिखाने वाले हैं। पर दोस्तों, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 3, अवतार। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे अवतार दुनिया की सबसे पहली 3D फिल्म है, लेकिन इस मूवी में जितने भी सीन और कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो सभी ग्रीन स्क्रीन VFX और CGI तकनीक के मदद से ही संभव हो पाया है। और इस मूवी में दिखाए गए हर एक जगह नकली है, जो कि इन लोगों ने स्टूडियो के अंदर ही सब कुछ किया हुआ है। दोस्तों, अवतार मूवी में 40% एक्शन और 7% फोटो रियलिस्टिक CGI सीन है, और ये सभी सीन स्टूडियो में ही शूट किया गया है। दोस्तों, इस मूवी में नेवी की बॉडी कलर ब्लू दिखाया गया है, जो कि शूट के दौरान इन लोगों ने कोई भी मेकअप या रंग नहीं लगाया था, बल्कि ये सभी कंप्यूटर जनरेटेड मोशन ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी से ही ऐसा दिखाया गया है। नंबर 2, सुपरमैन। दोस्तों, सुपरमैन मूवी दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपर हीरो मूवी है, और इस मूवी में जितने भी सीन दिखाया गया है वो सभी आसान नहीं था। कैरेक्टर्स को उड़ाना, जंप लगाना, ये सभी VFX टेक्नोलॉजी से ही आसान हो पाया है। इस मूवी के सभी वातावरण को ग्रीन स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया है, और कैरेक्टर्स को हवा में उड़ते हुए देखना और स्टंट करना, ये सभी वायर यानी तार के सहारे से ही संभव हो पाया है। नंबर 1, एवेंजर एंड गेम। दोस्तों, इस मूवी में सबसे पहले यह सीन विजुअल इफेक्ट के सहायता से ही पूरा हो पाया है। हॉकाई के इस सीन में जो दिखाया गया क्रिएचर है, ये एनिमेशन के आधारित बनाया गया है, और इन एनिमेटेड क्रिएचर्स में दौड़ना, भागना, ऊपर चढ़ना, इस तरह के हरकतें कंप्यूटर बेस्ड मूवमेंट डाला गया है, जो कि मूवी में कुछ ऐसा दिखाया गया है। और दोस्तों, इस मूवी में जो भी वातावरण या बिल्डिंग्स वगैरह दिखाया गया है वो सभी ब्लू स्क्रीन कैप्चर्ड है, और यह स्क्रीन में जिस किसी को भी चाहिए होता है वो डायरेक्टली प्लेस कर देता है। दोस्तों, इस मूवी को बनाने के लिए टोटल 14 VFX कंपनी एक साथ काम कर चुके हैं। प्रोफेसर हल्क के फेस को डेवलप करने के लिए मशीन लर्निंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जिसके मदद से हल्क के फेस को बनाना संभव हो पाया है। और दोस्तों, मूवी के सबसे जबरदस्त ये सीन पेंटिंग डिपार्टमेंट ने बनाया है, जो कि CG के जरिए दिखाया गया है, और इस एपिक सीन में जो कोई भी आगे ऐसे दौड़ते हुए जा रहे हैं वो सभी ग्रीन स्क्रीन के सहायता से ही दिखाना मुमकिन हो पाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। I've been keeping myself so busy, personal.